मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रास्ता पूछने के बहाने बाइक सवार को रोका और फिर उस पर हमला कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बाइक सवार को रोककर उस पर हमला करने का क्या मकसद था। मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का है, जहां मोहम्मद मतबूल अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी हाईवे पर कार सवार ने मतबूल को रोका और उनसे रास्ता पूछने लगे। इसी दौरान मतबूल पर कार में बैठे 3 से 4 लोगों ने उतरकर उन पर हमला कर दिया। किसी तरह से आसपास के लोगों ने मतबूल की जान बचाई। आरोप है कि लिंचिंग के उद्देश्य से मतबूल पर ये हमला किया गया होगा। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जी, क्या नाम है आपका? मतलब मतलब ये क्या घटनाक्रम आपके साथ में हुआ? भाई, गाड़ी उन्होंने सफ़ेद रंग की गाड़ी एक साइड में लगाई हुई थी, बागवाली से आते हुए सिसोने रोड पे। एक आदमी ने जो बाहर खड़ा था उनमें से, उसने मुझे रोका कि भाई एक मिनट, भाई साहब एक मिनट, हमें रुड़की जाना रास्ता पूछने के लिए। मैं साइड में आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल खड़ी करी, तो तब तक वो मेरे सामने आ गया। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए जैसे सलाम दुआ कर रहा आदमी इस तरह से, यानी मुझे बात मिल जाए अपने साथ में। और पीछे से जो और लोग थे, दो आदमी, 3 आदमी, 4 थे टोटल, वो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। कहाँ की पूरी घटना है? बागवाली की। भाई, बागवाली से बाहर निकलते ही जो नया पेट्रोल पंप बना हुआ है, बिल्कुल उसी की। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं बागवाली, मेरा बच्चा है मदरसे में, मैं वहाँ से अपने देवबंद जा रहा था वापस। आप कहाँ के रहने वाले? देवबंद का हूँ। तो कितने लोग थे गाड़ी में? आपने तो ध्यान दिया जो बाहर थे वो 4 थे। अच्छा, मैं मुझे तो कुछ होश नहीं आया जब उन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिर जो सामने वाला था, दोनों हाथों से उसने उठा के उसने मारना शुरू कर दिया सर पे। आपके कुछ समझ में आया हो क्या बात रही? बस कुछ नहीं, मैं फिर एकदम से मोटरसाइकिल गिर गई मेरी। हाँ। तो इतने में गांव एक आदमी, एक गाड़ी रुकी, उसको भी गालियाँ दी। हाँ। ये एक लड़का है। हाँ। मोटरसाइकिल पे ये आ गया, एक भाई उसके साथ में और था, बाकी चश्मदीद गवाह है ये। हाँ। बस। तो कोई किसी से आपकी पुरानी रंजिश हो? अरे, मैं तो यहाँ रहता भी नहीं भाई। अच्छा। मुझे तो 25 साल सऊदी में नौकरी करते हुए हो गए। क्या कारण मानते हैं आप आपकी साथ में? मैं क्या कारण मान लू, उनके हाथ में लाल धागे बंधे हुए थे, कड़े पहन रखे थे उसने। हाँ। मेरे जो मैंने जो रुमाल बांधा हुआ था। हाँ। उसे भी खोस के ले गए वो। कहे से मारपीट की? वो हथियार ले, लाठी नहीं, एक आदमी ने लाठी से मारा। हाँ। और लोग जो है उससे गुस्से से मार रहे थे। क्या शिकायत करी आपने? बस अब मैं क्या चाहूँ, वो तो मिलेगी नहीं। उनकी गाड़ी जो है वो बगैर नंबर की थी, अगर कुछ नंबर पकड़ी जाए तो फिर इसमें जो भी गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी वो। मामले की जानकारी पुलिस को दी आपने? जी, पुलिस को दी। बस इसकी जांच हो, पुलिस वो इसमें पुलिस काम करे। क्या मांग करते हैं हमारे माध्यम से? भाई, इंसाफ करें, और क्या मांग करूँ मैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। अली भाई, कहाँ रहते हैं आप? बागवाली। क्या घटनाक्रम हुआ है? ये कोई 5:30 बजे करीब मैं गांव से आ रहा था। हाँ। मुझे मुजफ्फरनगर आना था, मैंने सामने देखा था तीन चार लड़कों ने बजा रखा किसी भी। हाँ। तो वहाँ अक्सर ऐसा केस होता है कोई साइड वाइड लग जाती है, मतलब हो सकता है कुछ हो। हाँ। तो एक गाड़ी भी खड़ी थी वहाँ वेगनार। हाँ। तो मैं जैसे ही बाइक रोकी, मैंने बोला भाई साहब क्या हुआ? बोला भोसड़ी वाला गाड़ी में वापस चल। उन्होंने मुझे गाली दी। मैं इतने में इनसे पूछा, बोला भाई साहब क्या मामला? बोला तो मुझे तो ये नहीं पता कि पीठ क्यों रहे, हाइट उनकी 6-6.5 फुट करे उन्होंने हाथों में उनके। तो वही लिंचिंग वाला मामला मुझे लगा, संपर्क था कि उसी के बेस पे पीटा जा रहा, कुर्ता पजामा दाढ़ी थी निकल उसी बेस पे उन्हें पीटा जा रहा था। तो मैंने उनके पीछे फिर अपनी बाइक लगा दी। वो मैं उनका पीछा किया काफ़ी दूर तक, भोपे के पुल के पास। मैंने कहा गाड़ी रोकने के लिए, उन्होंने गाड़ी रोकी, हमने आधा उठा रखा था गाड़ी के ड्राइवर साइड से, साइड में हमने शीशे पे आधा मारा, उनकी गाड़ी का शीशा भी टूटा। ठीक है, तो उन्होंने उसके बाद एकदम से बता गया मेरी बाइक में साइड मारी, बाइक मेरी वहीं पर गिर गई, वो गवाह है भोपे पुल के नीचे सभी लोग। ठीक है, उसके बाद वो फुल स्पीड से भाग गए, गाड़ी पर उनके पीछे नंबर नहीं था जो मैं देख पा रहा था। कौन सी गाड़ी थी? स्विफ्ट गाड़ी थी, वाइट कलर। तो इसकी शिकायत पुलिस को दी है? पुलिस में गया, मैं ही गया था यहाँ पे जब इन्हें लेके आया, उसके बाद में वापस आया, नहीं लेके हॉस्पिटल आया, मैं नई मंडी थाने गया। हाँ। हमारी चौकी में जो नाम तो मुझे उनका पता नहीं, बस नंबर आया सही कि उनसे पूछ लो। मैंने उन्हें बोला सर मैंने यहाँ ले आया, अब इनका क्या करूँ, इनका मेडिकल कैसे हो गया, स्लिप बोल रहे हैं स्लिप के लिए। वो बोल रहे कि आप नई मंडी थाने जाओ, मेरी बात हो गई। मैं वहाँ जहाँ पे मंदिर मंडी में मैं गया, तो वहाँ पे वो थे मुंशी जी को राकेश। मैंने उनसे कहा सर ऐसे ऐसे मामला है, ऐसे ऐसे लिंचिंग हुई है हमारे रोड पे।
और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है क्योंकि 40-50 हज़ार की आबादी के दो गांव हैं वहाँ पे, कभी ऐसा केस नहीं होता, बहुत नॉर्मल से लोग रहते हैं। तो वो बोल रहे थे क्या नाम उसका, आप एप्लीकेशन लिखो, और एप्लीकेशन में लिखना एक या दो आदमी मारपीट करते थे, मगर सर मैंने अपनी आंखों से देखा चार आदमी थे। बोला नहीं, तीन चार आदमी तो मारपीट नहीं करते, मगर लिंचिंग तो 100-150 भी कर लेते हैं सर। वो बोले आप एप्लीकेशन लिखो, मैंने पूरी एप्लीकेशन लिखी अपने नाम से प्रार्थी बन के कि मैंने ऐसे ऐसे देखा उनके साथ ऐसा हुआ अभी हॉस्पिटल में। मैं जैसे एप्लीकेशन लेके पहुंचा, वो बोल रहे कि अब तो उनके कोई रिलेशन वालों को लाओ आप, तब जाके आपकी एप्लीकेशन आपको वो मिलेगी, स्लिप मिलेगी मेडिकल की। फिर मैंने इनके हाँ नई मंडी थाने में, तो फिर मैं इनको वापस आया यहाँ पे। मैं अगर कोई आपका अगर भाई आया हो तब तक इनकी फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर दिया था, वो गए इनके भाई, फिर वहाँ से स्लिप मिली, अब दरोगा जी आए तो मेडिकल इनका हो गया। बाकी देखिए क्या होता है, सीसीटीवी फुटेज से कुछ निकलता है उनका फेस वेस। तो आपके क्षेत्र में आप बता रहे पहली घटना है, क्या पहली घटना चाहोगे हमारे माध्यम से? ये तो ये है सर, तो जहर फैल रहा है एक तरह का, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर इतना ज्यादा कुछ हुआ तो नॉर्मल आदमी तो जी नहीं पाएगा। मान लो ये मुल्ला जी खड़े, इनके दाढ़ी है, कोई भी देख के निकल को पीटना शुरू कर देगा, और ये तो न्यूटन का लॉ है कि फिर कुछ रिएक्शन भी होता ही है, तो इससे जो है आगे चल के बेकारी होगा मामला। बहुत सारे ग्रामीण आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या चाहते हैं सर? सर यही चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो, उनको सजा मिले पांचों को, क्योंकि एक अंदर बैठा गाड़ी में जब वो चार पीटे थे, एक वीडियो बना रहा था, वो वीडियो भी वायरल करेंगे शायद अपना करें, जब उनका पीछा हो गया, उनकी गाड़ी का शीशा फूट गया, अन्य उन्होंने तो इसी पर्पज से वीडियो बनाई थी कि हम एक मुल्ला को पीट रहे हैं।